गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए एक और शानदार यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। वैकेंसी है SSB की तरफ से निकाली गई है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइडेड किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 35,000 से लेके 1,12,000 रुपये तक। शानदार वैकेंसी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नर्सिंग की वैकेंसी और या फिर CHO की वैकेंसी या फिर रिजल्ट, जो भी अपडेट जानना हो आगे आने वाली तमाम वैकेंसियों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस रख सकते हैं, ताकि सारी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है वो SSB की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। स्टाफ नर्स की जनरल के लिए 13 पोस्ट है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 1 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 29 पोस्ट यहाँ पे SSB की तरफ से रखी गई है पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से अप्लाई करने का जो मोड है वो यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को ये फॉर्म है SSB का, वो फिलअप करना है। जो पे स्केल है वो आपको 7 CPC के अनुसार सैलरी है वो मिलने वाली है। तो सैलरी है दोस्तों वो शानदार है यहाँ पर। जैसे सब इंस्पेक्टर है, जिसमें से स्टाफ नर्स की जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी है। अदर अलाउंस में भी यहाँ पर आप लोगों को मिलना है। और जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टाफ नर्स का क्या रखा गया है, 10+2, साथ में शुड वी हैव 3 ईयर डिप्लोमा GNM वाले और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोनों। और मस्ट बी रजिस्टर्ड सेंटर या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑल इंडिया कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बेडेड यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट ने काम किया है वो इसको अप्लाई कर सकता है। 21 से 30 वाले साल वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, जो लास्ट डेट है वो 30 डेज यहाँ पे रखी गई है। पब्लिकेशन होने के बाद जो इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है उसके 30 दिन तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, जो फॉर्म फीस है वो देखते हैं, टोटल फॉर्म फीस है वो कितनी रखी गई है यहाँ पे SSB स्टाफ नर्स के लिए। बाकी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे SSB की वैकेंसी है वो निकाली गई है। यहाँ पे है पॉइंट नंबर 8 पे है, एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं पे एग्जामिनेशन फी अमाउंट है 200 रुपये ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप लोग कर सकते हैं और नॉन रिफंडेबल है। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लोगों को इस पोस्ट से संबंधित पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। 10-12 पॉइंट हैं जो अच्छे से आप लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। उसके बाद है दोस्तों, पार्ट 2 में है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है, जो आप लोगों को फ़ोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से आप लोगों को KB के अंदर कन्वर्ट करके और सबमिट अपलोड करना है JPG फॉर्मेट के अंदर। पार्ट 3 में है कि जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं, जो प्रूफ के रूप में आप लोगों को क्या यहाँ पे लगाना है, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो मैंने आपको बैंकिंग के थ्रू बता दिया है किस प्रकार से करना है, नो TDA रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है मेल फीमेल के लिए जो फिजिकल जो कंडीशन होती है वो किस प्रकार से यहाँ पे रखी गई है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 6 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, जो कि रेसिंग का है। और उसके बाद है जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। और नीचे यहाँ पे स्टाफ नर्स का दिया गया है, तो इसमें हाइट है 157, फीमेल 157, फीमेल 150, नॉट अप्लीकेबल चेस्ट इन सेंटीमीटर में। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है। तो मेरे हिसाब से इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी हम लोगों ने कवर कर ली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है
वो यहाँ पे सेल्वी 3 ओवर्स का आपका पेपर रहने वाला है, 150 मार्क्स रहेगा, कंसिस्टिंग 150 मल्टीप्लाई चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आप लोगों को पता है जनरल नॉलेज के रहते हैं, मैथमेटिक्स के रहते हैं, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस है इसमें कवर होता है SSB में, तो सारा आपको सिलेबस है वो कवर करना होगा। तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे भी हर किसी भी स्टेट से कोई वैकेंसी या रिजल्ट अपडेट आएगा, ज़रूर आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेगा CHO Academy। तो नए कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।